लिए चलते हैं आपको स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इतनी पावरफुल होगी वो इम्यून रिस्पांस का द्योतक होगी क्या, इसका कहीं पता नहीं है। ऐसे रहते हुए भी इसका इस्तेमाल सर्वेलेंस पर्पस के लिए हो सकता है, क्योंकि सर्वेलेंस में मैंने जैसे पहले एक बार बताया था, मैं अगर ये बताना चाहता हूं कि 5% समझ लीजिए कहीं सर्वे किया, 5% लोगों को बीमारी थी, वो अगर 4.5 भी आई और वो कंसिस्टेंट एरर, उसी ढंग से वही टेस्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसी से भी उतनी 4.3 भी आई, कंसिस्टेंट रही वो एरर, तो उसमें एपिडेमियोलॉजिक सर्वेज में जहां हम ट्रेंड मॉनिटर कर रहे हैं उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो गिनती ही कम करता है। आपको अगर उदाहरण देना है तो सादे ढंग से देता हूं, जैसे अगर वो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन होता है और उसका कंपैरिजन हम जो बाथरूम स्केल इस्तेमाल करते हैं वजन के लिए, वो दोनों में अगर हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन जो होगा उस पर एक्यूरेट आएगा, लेकिन जो बाथरूम वेइंग मशीन है उसमें एरर रहेगी। लेकिन अगर वजन देखना है तो हमको 100 ग्राम से फर्क आया क्या, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम वजन 60-70 किलो का देख रहे हैं वो थोड़ा कम ज्यादा इधर उधर हुआ तो भी चल जाता है। इसकी ये तो पहली बार टेस्ट आई है हमारे यहाँ, तो एक ही बैच जो आई है तो वो सवाल तो उठेगा नहीं। ये सारी टेस्ट जो एंटीबॉडी टेस्ट आई हैं उनकी ये CE-IVD अप्रूव्ड हैं, इनको टेस्ट किया गया था कि ये उसकी जो सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी क्लेम्ड है वो उसके कॉन्फिडेंस के रेंज में है क्या करके, उसमें वो ठीक पाई गई। हमको जो दूसरी एक ये मिली है कि वेस्ट बंगाल में कुछ टेस्ट जो BGI किट करके माना जाता है, RT-PCR किट, वो RT-PCR किट बराबर काम नहीं कर रहा है, ऐसे हमको एक ग्रीवंस मिला। वो ग्रीवंस के तरफ देखते वक्त 2-3 चीजें हमको याद रखना है कि ये BGI किट USFDA अप्रूव्ड है, उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स काफी अच्छे हैं, सिर्फ इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये जब किट हमको रखना है तो उसको 20 डिग्री के नीचे टेम्परेचर रहना चाहिए। 20 डिग्री के अगर ऊपर गया तो वो टेस्ट रिजल्ट्स बराबर नहीं आ सकते हैं। तो जो कंप्लेंट थी वो कंप्लेंट ये थी कि कुछ लोगों की रिपीट टेस्ट करना पड़ा क्योंकि सारे लाइट अप नहीं हो रहे हैं उसके साथ कंट्रोल जो रहते हैं वो। ये कब होता है, कभी कभार टेक्नीशियन जब वो काम करेगा ज़्यादा सैंपल नहीं रहे तो उसके स्ट्रिप्स निकाल के उसको और एक बार रन करता है दूसरे टेस्ट को करने के लिए। जब वो वैसे करने जाएगा तो उसने वो कहाँ किट रखा था, वो क्या रूम टेम्परेचर पे छोड़ के उसने फिर टेस्ट करने की कोशिश की, उसके ऊपर वो आमादा होगा। लेकिन हमने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को बताया है कि जो NIV में हम किट इस्तेमाल करते हैं वो किट तकरीबन 10,000 टेस्ट के लिए काफ़ी हैं, वो नाइसेड में है कलकत्ता में, वो हम उनको टेम्पररी वो क्राइसिस टाइड ओवर करने के लिए दे रहे हैं। मिस्टर सुनील प्रभु, NDTV। हेलो, टू द MHA, नेगेटिव रिएक्शंस फ्रॉम स्टेट्स लाइक बंगाल अबाउट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, अबाउट द ICMT टीम्स व्हिच हैव बीन सेंट। आई नो द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एंड व्हाई यू सेंट दोस टीम्स, बट स्टेट सम थिंग्स Well, is the fact that you're using and not an order, but a direction which has been said in a Supreme Court judgment, is a big difference. Even Supreme Court judges have pointed out that that cannot be seen as an order. It's only a direction. But you're saying you have said to be seen as a direction, whatever is being said. The observations should be read as directions. And to ICMR, what is the issue about? The fact that asymptomatic people are turning positive. How do you respond to that? एसिम्प्टोमेटिक पीपल टर्निंग यानी पॉजिटिव आदमी एसिम्प्टोमेटिक दिखा, ऐसे आपको कहना है ना? एसिम्प्टोमेटिक तो वो तो हमने पहले भी
बहुत बार बताया है, 100 लोगों को अगर इन्फेक्शन हुआ तो उसमें से 80 लोगों को इन्फेक्शन उसमें कोई लक्षण दिखाई नहीं देता। वो दिखने को भले एसिम्प्टोमेटिक रहे, उसको अगर हम जांच करें तो उसकी भी टेस्ट पॉजिटिव आने का चांस रहता है। यह स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और यहाँ पर गोवा के लिए